भैया हमको एक वैक्सीन करके चाहिए या दो वैक्सीन करके चाहिए, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर के ऊपर ये चूजे जो है ब्रूडिंग करके भी देते हैं। नमस्कार किसान भाई और मेरे साथियों, कुकड़ूकू हैचरी एंड पोल्ट्री फार्म में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज यहाँ हम देखने आए हुए हैं कि आप जैसे सोनाली के बर्ड्स जो है वो ऑर्डर करते हैं, तो वह आपके पास पहुँचने से पहले वह किन किन प्रोसीजर से गुजरता है। सबसे पहले वह किस तरह से एक ब्रीडर फार्म से जो है वह यहाँ पर लाया जाता है, उसके बाद फिर उसको सेटर और हैचर से चूजे को निकाला जाता है, और किस तरह से जो है वह इसमें सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है, जिससे कि हाइजीन और वायरस इन सब चीज़ों का खास ध्यान रख करके आपको पास पहुँचाया जाता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, अभी हम सर से जानने वाले हैं कि जैसे कि चूजे जो है वह आप लोगों के पास पहुंचते हैं, तो उससे पहले यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस की जाती है। जब भी हैचरी में आते हैं तो ये फॉर्मेलिटी हमको करना रहता है, जिसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम डिसइन्फेक्शन का यूज़ करते हैं, है ना। उसके बाद जब आप हैचरी में आते हैं तो देखते हैं, सबसे पहला प्रोसीजर रहता है अंडा जो भी ब्रीडर फार्म से आता है उसको यहाँ पर सेटिंग किया जाता है। सबसे पहले ट्रे में सेट किया जाता है, है ना। उसके बाद इस तरह से इसको ट्रॉली में नॉर्मल टेम्परेचर पे हम रख करके 4 घंटे तक रखते हैं। इससे अंडा नॉर्मल टेम्परेचर में सेट हो जाता है, क्योंकि ये जो अंडे रहते हैं फार्म से निकलने के बाद करीबन 1 दिन या 16 घंटे मिनिमम इसको 16 डिग्री टेम्परेचर में, मतलब ठंडे तापमान में रखा जाता है, ताकि अंडे का फर्टिलिटी अच्छा है, अंडा सुरक्षित भी रहे, और उसको एक हफ्ते के अंदर हमको फिर हैचरी मशीन में डालना रहता है। सत्येन जी, यहाँ पर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप हर हफ्ते जो है वो चूजे निकाल पा रहे हैं, लेकिन जो चूजे को अंडे से बाहर निकलने का प्रोसेस होता है वो तो 21 दिन का होता है, तो उसको आप किस तरह से पॉसिबल करके दिखा रहे हैं उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, चूजा बनने में 21 दिन ही लगता है, लेकिन इस मशीन की कैपेसिटी 18,000 है, तो हम इसको हर हफ्ते अंडे का लोडिंग देते हैं 6,000 में ना। तो पहला हफ्ता जो 6,000 अंडे का लोडिंग दिए वो 21 दिन बाद चूजा बन के निकल जाता है, उसके दूसरे हफ्ते बाद जो अंडा लोडिंग किए थे वो जस्ट 21 दिन के नेक्स्ट वीक में, यानी कि अगले हफ्ते में चूजा बन के निकलता है। इस तरह से ये इसमें प्रोसीजर में होता है। और ये सेटर मशीन है ना, और ये एक आपका हैचर मशीन है। सेटर मशीन में जो है चूजा जो है अंडा जो है 18 दिन तक इसमें है ना हैचिंग होती है, और फिर उसको यहाँ से ट्रांसफ़र करके 18वें दिन में ट्रांसफ़र करके यहाँ हैचर मशीन में लाया जाता है, जिसमें चूजा 3 दिन में, यानी कि ये वाली जो सारी ट्रे हैं इसमें हम अंडे को शिफ्ट कर देते हैं। इसमें अंडा घूमता नहीं है, इसमें अंडा रखा रहता है बस, और इसमें अंडे टूटते हैं और इसमें ही चूजा बाहर निकल के इसी में इस हैचिंग ट्रे में निकल जाते हैं। काउंटिंग चल रहा है। तो जैसे कि ये जो है चूजे जो है किसान भाइयों के पास डिलीवर की जाती है, तो उससे पहले आप कोई वैक्सीनेशन लगाते हैं, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, चूजा डिलीवर करने से पहले हम 1 दिन वाला वैक्सीन लगाते हैं, जिसको मेरेक्स वैक्सीन बोलते हैं। इसमें ऐसा रहता है कि जैसे चूजा लेके जाते हैं तो 2-3 दिन तक लगातार इसको अगर एंटीबायोटिक दे देते हैं तो चूजा स्ट्रांग हो जाता है थोड़ा, या बाहर से कोई प्रॉब्लम एटमोसफियर का अगर कोई बीमार होने का जो चांसेस रहते हैं ना वो थोड़े से कम हो जाते हैं, सर्दी खांसी जो भी है इनको भी लगता है तो वो सब कम हो जाता है। और उसके बाद फिर हम लोग बेसिकली देसी मुर्गियों में उतनी ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन एक तरह से इंश्योरेंस के लिए इसमें वैक्सीनेशन ज़रूरी रहता है। और सर, जैसे हम जानना चाहेंगे कि बहुत से किसान जो है वह छोटे 1 महीने तक, जब तक चूजे बड़े नहीं हो जाते, तब उसमें क्या एक नाजुकपन रहता है, तो उसमें वैक्सीनेशन भी करना होता है, तो इस तरह से अगर आप कोई किसान भाई 1 महीने के बाद चूजा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ है आप लोगों के पास सुविधा? जिनको ब्रूडिंग करने में तकलीफ जाती है या जिनको लगता है कि वो वैक्सीनेशन वगैरह ठीक से नहीं कर पाते हैं, तो उनका ऑर्डर जो आता है कि भैया हमको एक वैक्सीन करके चाहिए या दो वैक्सीन करके चाहिए, उस हिसाब से हम लोग ऑर्डर के ऊपर ये चूजे जो है ब्रूडिंग करके भी देते हैं। तो ये जो चूजा है ये करीबन 800 चूजा है जो कि ऑर्डर में है, और 3 वैक्सीन करके पूरा देने की बात कही है फार्मर ने, तो उनके लिए ये ब्रूडिंग किया जा रहा है। लगभग प्रोसीजिंग तो आपने पूरा देख लिया है, जैसे ही चूजा जो है हैचर से निकलता है उसको काउंटिंग किया जाता है, वैक्सीनेशन किया जाता है, और उसके बाद फाइनली इस तरह से कार्टून में उसको पैक करके भेजा जाता है। ये कार्टून जो है 80 पीस का कैपेसिटी रखता है, इसमें 80 चूजे हम लोग डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्मी का समय है तो इसमें 60 या फिर 62 चूजा ही डाला जा रहा है ना।
और ठंड के दिनों में इसमें 80 पीस चूजे डाल के इसको कहीं पे भी ट्रांसपोर्टिंग के लिए किसानों को भेजा जाता है। तो इस तरह से हमारा हैचरी जो है वर्क करता है ना। अगर आपको रिक्वायरमेंट है सोनाली या कड़कनाथ चूजे की, तो आप हमको दिए गए नंबर पे डायरेक्ट कॉल करके आप हमको ऑर्डर दे सकते हैं। आपको हैचिंग डेट्स पे जो जो हैचिंग डेट्स रहेगी उस पे आपको चूजे का ऑर्डर बुकिंग दिया जाएगा, उस डेट में आप चूजे आपको मिल जाएंगे। अगर आप हमारे आसपास हैं या कहीं पे भी हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप हमारे हैचरी में विज़िट करके आप चिक्स लें।